राधे मेरी स्वामी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों के नात है सोते रो आधीन, सोते रो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो मुकुंद माधव गोविंद बो मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो नाम हरि का प्राण न प्यारा नाम हरि का प्राण न प्यारा नाम हरि का प्राण न प्यारा भक्त जनों का परम सहारा भक्त जनों का परम सहारा संत जनों का परम सहारा संत जनों का परम सहारा नाम लिए कछु लगे नमो नाम लिए कछु लगे नमो नाम लिए कछु लगे नमो केशव माधव हरि हरि बो मुकुंद माधव गोविंद बो मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि बो केशव माधव हरि हरि बो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Krishna
नाम महा धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महा धन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रिज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें और नदी परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिकाराने, अपनी ठकुरानी श्री राधिकाराने, अपनी ठकुरानी श्री राधिकाराने, अपनी ठकुरानी श्री राधिकाराने। हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। हो औरनिताय जय औरनिताय, औरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय जय शशि गौरनिताय, गौरनिताय जय गो। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद, प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभु नित्य गौर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि हरि बोल। युग धर्म संकीर्तन की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, भागवत कथा रसिक वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से आधुनिक उपकरण के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले फेसबुक यूट्यूब और
अमृत चर्चा के समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले समस्त वधुकुल परिवार, श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य श्रीमद् भागवत के आश्रय में हम सब उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार जैसे हम किसी पौधे को उगाते हैं तो उस पौधे में हमें रोज जल डालना होता है। यदि आप पौधे में जल डालना बंद कर दो वह पौधा सूख जाता है। ठीक उसी प्रकार हम और आप जो भक्ति करते हैं ये भक्ति एक पौधे जैसी है और इस भक्ति रूपी पौधे में हमें रोज जल डालना होगा। और यदि भक्ति रूपी पौधे में जल नहीं डालेंगे भक्ति सूख जाएगी। और वह जल क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन, माली हैया करे से बीज आरोपण, माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले कर ये सिंचन। वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े मूल से रूप गोस्वामी को कहा कि संसार में अनंत अनंत जीव भ्रमण करते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। कुछ देर के लिए आप विचार करो कि इस पृथ्वी में इस ब्रह्मांड में कितने जीव है, आप जानते हैं? आपके पूरे यूके में जितने जीव है ना, उतने जीव जंतु आपके पूरे यूके में जितने मनुष्य है उतने जीव जंतु केवल इस मंदिर में है। छोटे छोटे बड़े बारीक, हम और आप बैठे हमारे आपके बीच में कितने जीव जंतु भ्रमण करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, असंख्य जीव। उस जीव की थोड़ी सी और डिटेल में जाऊं तो 9 लाख प्रकार के जीव पानी में रहते हैं। 9 लाख प्रकार, हाँ, एक प्रकार में करोड़ों जीव हो सकते हैं। जैसे एक प्रकार डॉल्फिन, कितनी सारी डॉल्फिन पानी में होगी। दूसरे प्रकार का पानी में जल में रहने वाला जीव मगरमच्छ, कछुआ, शार्क, ऐसे 9 लाख प्रकार के जीव पानी में, 10 लाख प्रकार के जीव उड़ने वाले पक्षी के रूप में, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे, 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, 30 लाख प्रकार के जीव 4 पांव पर चलने वाले, इस प्रकार से 80 लाख योनि में करोड़ों करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं। आप विचार करो उन करोड़ों करोड़ों जीवों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले कितने हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को कहना पड़ा ब्रह्मांड भ्रमिते, इस ब्रह्मांड में करोड़ों जीव भ्रमण कर रहे हैं लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कौन, कोई एक भाग्यवान जीव। विदुर प्रभु,
ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव? कोई एक भाग्यशाली जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। इस न्याय के अनुसार तो हम सब लोग करोड़ों में एक हैं। हमें भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है। अब इस भक्ति के बीज को पनपाने के लिए, इसे उगाने के लिए इसमें रोज श्रवण और कीर्तन करना होगा। और रोज श्रवण कीर्तन करेंगे, ये भक्ति का बीज फलीभूत होगा। धीरे धीरे ये लता बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते इस ब्रह्मांड को भेद कर आध्यात्मिक जगत में भगवान के चरणों तक पहुंच जाएगी। और फिर एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि हम यहाँ पर श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्ति करेंगे और उस लता पर प्रेम रूपी फल उगेगा। उस प्रेम फल का हम आस्वादन करेंगे। लेकिन उस अवस्था में भी यहां पर साधक भक्त श्रवण और कीर्तन बंद नहीं करेगा। ये जो कथा सुन रहे हैं ना, किसी भी अवस्था में पहुंचकर इस कार्य को हमें निरंतर करते रहना है। सो श्रवण और कीर्तन परम सौभाग्य है। भक्ति को बढ़ाने वाली यह सुंदर प्रक्रिया है भगवत कथा, जिसका हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद में कल हमने सुना किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कहा कि नरक से मुक्त होने का उपाय बताइए, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा पापों से मुक्त होने का, नरक में जाने से बचने का सरल उपाय भगवान का नाम। और आप लोगों ने बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से हरि नाम को स्वीकार किया। मैं आप सबको शुभकामना दूंगा। आप सब के लिए भगवान और भागवत को प्रार्थना करूंगा कि आपने जो जो संकल्प लिया है वो संकल्प पूर्ण हो। लेकिन परीक्षित महाराज को थोड़ी देर के लिए संशय हुआ कि कोई व्यक्ति इतना पाप करता है और वो पाप केवल भगवान के नाम से मुक्त हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा कि भगवान का एक नाम हमारे सारे पापों को मिटा देता है। परीक्षित महाराज को जब संशय हुआ तब श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को एक कथा सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं कान्य कुब्ज द्विज कश्चित, कोई एक द्विज, एक ब्राह्मण कान्य कुब्ज कन्नौज नाम के गांव में रहता था और उसका नाम था दासी पति अजामिल। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, वेद पाठी ब्राह्मण था, सुसंस्कृत था, माता पिता की सेवा करने वाला। एक दिन पिताजी ने यज्ञ करने के लिए वन में समीधा कुछ लकड़े लाने को भेजा। वो अजामिल बालक वन में गया, लकड़े काटकर उस बोरी को सिर पर चढ़ाकर वापस लौट रहा था। उस समय उस अजामिल ने एक दृश्य देखा। दृश्य कैसा था? एक शूद्र किसी नृत्यांगना के साथ विहार कर रहा था। दोनों ने शराब पी रखी थी, दोनों शराब के नशे में चूर थे, आंखें घूम रही थी, आलिंगन कर रहे थे, एक दूसरे को चुंबन कर रहे थे। और अजामिल ने जब यह दृश्य देखा तो माता पिता के संस्कार के कारण पहली दृष्टि में तो उन्होंने अपने आप को वहां से मोड़ लिया कि नहीं ये गलत है।
परंतु बुरे दृश्य का प्रभाव हमारे मन पर बहुत गहरी छाप छोड़ देता है। वो दृश्य देखकर अपना मुंह फेर लिया, लेकिन फिर भी वो दृश्य दिमाग में चप गया, मुड़ मुड़ के अजामिल देखने लगा। अजामिल अपने आप को रोकने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन रोक नहीं पाया। उस बोरी में से एक लकड़ा निकाला, उस आदमी के मस्तक पर मारा तो मर गया। और वह ब्राह्मण का बेटा उस वेश्या को लेकर अपने घर पर आया, अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, माँ बाप को घर से निकाल दिया, और वह अजामिल उस नृत्यांगना उस वेश्या के साथ रहने लगा। और उस नृत्यांगना के साथ रहते हुए सुखदेव जी कहते हैं, बंद अक्ष कैतवेश चोरिये गरहिताम व्रीति मास्थितम। वह चोरी करने लगा, लोगों को किडनैप करने लगा, अनेकों प्रकार का बुरा कर्म करने लगा, क्योंकि दासिया संसर्ग दूषिता, क्योंकि उस नृत्यांगना के संग से वो बहुत अपवित्र हो चुका था। इतना ही नहीं, वह अजामिल उस नृत्यांगना से 10 पुत्रों को जन्म दिया। यह करते करते अजामिल के जीवन के 88 वर्ष बीत गए। कितने साल का हुआ? 88 साल का। और 88 साल की उम्र में उस नृत्यांगना के गर्भ से एक बालक को जन्म दिया। उस ताजे बालक का जन्म हुआ था, और एक दिन अजामिल चोरी करने के लिए वन में गया, और उसी समय कोई साधु संत की मंडली कीर्तन करते करते कन्नौज कानपुर अजामिल के गांव में आई, और सीधे अजामिल का दरवाजा खटखटाया। उस नृत्यांगना ने दरवाजा खोला, बोले, यहां पर साधुओं की सेवा होती है, भूख लगी है। नृत्यांगना ने कहा कि बिल्कुल रॉन्ग नंबर लगा है, शुक्र मनाओ मेरा पति घर पर नहीं है। यदि मेरा पति घर पर होता तो तुम सब हैंडीकेप होकर वापस जाते हैं, लेकिन अब हमारे द्वार पर आ ही गए हो तो जब तक मेरा पति आ जाए उसके पहले मैं तुम्हारी सेवा करती हूं। साधु संत घर पर आए, बोले, क्या चाहिए? बोले, काम करो, कच्चा सीधा आटा दे दो, हम खुद भोजन पका कर खा लेंगे। तो साधु संतों की मंडली भोजन पका रही थी और पकाते हुए कीर्तन कर रही थी। बहुत सुंदर भोजन किया, और कुछ समय के बाद जब वो वापस लौटने लगे तो उन साधुओं ने उस नृत्यांगना को कहा कि आपका धन्यवाद, आपने हमारा बहुत सुंदर सेवा की, अब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके हाथ में जो बालक है वो किसका है? अजामिल 88 साल का होगा तो ये माताजी 80 साल की होगी, और 80 साल की माताजी के हाथ में 10 दिन का लड़का यदि हो तो स्वाभाविक हमारे मन में होता है ना कि आपका पोता होगा, आपका ग्रैंडसन होगा। इसलिए संतों ने पूछा कि आपके हाथ में ये जो बच्चा है किसका है? उस वेश्या ने कहा, नृत्यांगना ने कहा कि ये मेरा बच्चा है। अच्छा, इसका नाम रखा आपने? बोले, नाम नहीं रखा। तो बोले, साधुओं ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हम आपके बच्चे का नाम रख दें? बोले, रख दो, आज नहीं तो कल तो रखना ही है। बोले, तो ठीक है, आज से तुम्हारे बच्चे का नाम है नारायण। श्री नारायण भगवान की। कुछ देर संतों की सेवा की तो संतों ने उस पापी के बच्चे का नाम नारायण रख दिया, और संत लोग चले गए। किसी ने अजामिल को कहा कि तेरे घर पर साधु संत आए। अजामिल तो दौड़ कर आया, उसकी जात का साधु मारू, मेरे घर पे साधु? आज साधुओं को छोड़ूंगा नहीं, उसके मृदंग जान सब फोड़ दूंगा। अजामिल दौड़ कर घर पर आया, पत्नी ने दरवाजा खोला, बोले, सुना है साधु आए हैं?
पत्नी ने कहा कि वो आए थे लेकिन चले गए। लेकिन वो साधु जो है ना, हमारे बच्चे का नाम रख के गए हैं। अजामिल ने सोचा रख के गए ना, कुछ लेकर नहीं गए ना, मतलब हम लोग बेनिफिट में है ना तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ देकर गए ना, नाम देकर गए ना, तो आज नहीं तो कल हमें गूगल करना ही था, खोजना ही था, तो उन्होंने दे दिया क्या नाम रखा है। तब वो नृत्यांगना बोली कि उन लोगों ने हमारे बच्चे का नाम नारायण रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी जिसके कान में आज पहली बार भगवान का नाम गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह पापी अपने जीवन में पहली बार भगवान का नाम, वैसे भगवान का नाम है अपने बेटे का नाम, लेकिन बेटे का नाम भगवान के नाम से था, तो वह बोला कि नारायण मातुर अंकात मम अंक आगच्छ, हे नारायण अपनी माँ के गोद से मेरी गोद में आ जाओ। फिर तो अजामिल अपने उस छोटे बच्चे से बहुत प्रेम करता था, अपनी पत्नी को, नारायण कहाँ गया, नारायण ने खा लिया, नारायण क्या कर रहा है, नारायण को नहला दो, नारायण को यहाँ भेजो, नारायण नारायण का कीर्तन होने लगा। इस प्रसंग में मुझे एक मैसेज आपको देना है कि अजामिल कितना बड़ा पापी। मैं तो बहुत शॉर्टकट में आपको ये सब बता रहा हूँ, केवल अजामिल प्रसंग पर 7 दिन की भागवत हो सकती है कि अजामिल इतना बड़ा पापी, लेकिन फिर भी उसका नाम भागवत में आ गया। आप देखो तो सही, हम लोग पापी की कथा कर रहे हैं, इतने बड़े पापी का आधा घंटा हमने ले लिया इस पापी के लिए, इतना बड़ा पापी अपना नाम भागवत में दर्ज करा दिया। कारण क्या था, वो खुद पापी था लेकिन उसके बेटे का नाम भगवान के नाम से रखा हुआ था। सो भक्तों, हमें भी अपने बच्चों के नाम चिंटू मिंटू पिंटू टॉमी ये सब नहीं रखने चाहिए, अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखने चाहिए, ताकि बच्चों के बहाने भी हमारे घर पर प्रभु कीर्तन हो, भगवान के नाम का उच्चारण हो। अब सुनिए भगवान के नाम की महिमा सुनिए। अब अजामिल अपने बेटे में आसक्त था, पूर्ण रूप से अटैच था, और एक दिन काल, एक दिन मौत अजामिल के जीवन में आ गई। अजामिल का अंतिम दिन है, आज अंधेरी रात है, बच्चा नीचे खेल रहा है, अजामिल मरण सैया पर सोया हुआ है, और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सपास हस्तान तीन दृष्ट्वा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुमागतान। यमराज के तीन दूत काजल के पहाड़ के समान विशाल, हाथ में रस्सी लेकर अजामिल को मारने के लिए, उस आत्मा को लेने के लिए वहां पर पहुंच गए। अजामिल दूर से देख रहा है कि कोई तीन भयंकर पुरुष आ रहे हैं। इस समय भी अजामिल को अपने बेटे की चिंता है कि कहीं मेरा बेटा नारायण ये तीनों को देखकर डर न जाए। अब अजामिल ये सोच ही रहा था मेरे बेटे का क्या होगा, वो खेल रहा था, क्या होगा क्या होगा। वो तीनों अजामिल के पास पहुंचे और आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है, और वो यमराज के दूत अजामिल को उस हृदय से उस आत्मा को खींच रहे थे, और उसी समय अजामिल अपने बच्चे को बचाने के लिए बच्चे का नाम बोला। उसका भाव ये था कि नारायण तुम यहां से भाग जाओ, नहीं तो तुम डर जाओगे। सो अजामिल प्लावितेन मरण अवस्था में था, इसलिए टूटते हुए शब्द में बोला नारायण। आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाया, तुम चले जाओ ऐसा बोलना था, लेकिन केवल इतना बोला नारायण, और अजामिल का नारायण बोलना और यमराज के दूतों का उसका दिल से निकालना,
तो कहते हैं कि मरते समय अजामिल भगवान का नहीं, अपने बेटे का नाम, लेकिन उसका नाम भगवान के नाम से था, वो अजामिल नारायण बोला, तो उसी समय भगवान विष्णु के चार पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लेकर वहां पर प्रकट हो गए और अपने हाथों में तलवार दिखाकर उस यमराज के दूतों को वहां से भगा दिए। यमराज के दूतों ने कहा कि तुम जो भी हो ये बहुत बड़ा पापी है और तुम पापी का पक्ष ले रहे हो। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि ये पापी नहीं, ये साधु है, बहुत बड़ा डिवोटी है। क्यों? क्योंकि मरते हुए हमारे प्रभु का नाम, भगवान का नाम ले रहा है। यमराज के दूतों ने कहा तुमको गलत फहमी हो रही है, ये तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा, ये अपने बेटे का नाम ले रहा है। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि हमें पहले ये बताओ कि भगवान का नाम पहले नारायण पड़ा कि इसके बच्चे का नाम पहले नारायण पड़ा? ऑब्वियसली भगवान का नाम नारायण पहले पड़ा। तो सुनो, सिद्धांत सुनो कि इस दुनिया में कोई किसी भी बहाने भगवान का नाम लेता है तो भगवान यही कंसिडर करते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है। किसी भी बहाने किसी किसी को गाली देते, ये साला रामू बहुत बेकार है, ऐसा भी कोई रामू बोल दे, राम बोल दे, कृष्ण बोल दे, किसी भी बहाने कोई भगवान का नाम लेता है तो भगवान यही सोचते हैं कि मेरा नाम ले रहा है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया और यहां अजामिल मरने से बच गया और नरक में जाने से बच गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, अजामिल जीवन भर पाप किया था और मरते समय भगवान का नाम लिया फिर भी नरक में जाने से बच गया। हम लोग पाप करते हैं लेकिन अजामिल जितना तो पाप नहीं करते हैं। वो केवल मरते समय भगवान का नाम लिया, नरक में जाने से बच गया। हम लोग जीवन भर भगवान का नाम लेंगे तो नरक में जाने से क्यों नहीं बचेंगे? अवश्य बच जाएंगे। अजामिल अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम लिया फिर भी नरक में जाने से बच गया। यदि हम लोग भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम लेंगे तो नरक में जाने से क्यों नहीं बचेंगे? सो इस प्रकार से अजामिल पुत्र का नाम लेकर भी नरक में जाने से बचा। हम और आप भाव और प्रेम से यदि भगवान का, एक आचार्य ने तो ये कहा कि अजामिल को बचाने के लिए चार दूत आए, चार पार्षद विष्णु के। क्यों? क्योंकि अजामिल ने मरते समय भगवान का चार अक्षर का नाम लिया, ना रा य ना। अजामिल चार अक्षर बोला तो चार विष्णु के पार्षद आए। हम तो हजारों बार भगवान का नाम लेंगे तो हमें लेने के लिए भगवान के कितने पार्षद आएंगे, न जाने कितने दूत आएंगे। सो इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान का नाम लेने वाला भगवान की प्राप्ति करे। श्रीमद् भागवत का छठा स्कंध आत्मा को पोषण देने वाला स्कंध है, जिसमें अजामिल की कथा, साथ ही साथ पुरंजन उपाख्यान और एक बहुत सुंदर कथा है वित्रासुर, एक असुर योनि में जिसका जन्म हुआ, इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, शरीर तमोगुणी था वित्रासुर का, वो भूमि भी तमोगुणी थी, वो युद्ध का कार्य भी तमोगुणी था, सब कुछ तमोगुणी होते हुए भी वह वित्रासुर भगवान की स्तुति कर रहा था। कारण यही था कि पूर्व जन्म में वह चित्रकेतु नाम का राजा था और पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति की थी जो इस जन्म में उसे याद आई।
इसे एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि इस दुनिया में आप जो भी कमाओगे वो सब यहीं छोड़कर जाओगे। विदुर प्रभु, हम जो भी कमाएंगे वो हम यहीं पर छोड़कर जाएंगे, लेकिन भक्ति एक ऐसा धन है जो मरने के बाद भी हमारे साथ चलता है। भक्ति नामक ऐसा धन, जैसे आपके पास करोड़ों पाउंड है और आपकी मृत्यु हो गई, फिर आपका दूसरा जन्म हुआ, तो आप ये दावा नहीं कर सकते पिछले जन्म में मेरी बैंक में इतने सारे पैसे थे उसमें से आधा तो मुझे दे दो, नहीं। आप मर गए तो जितना भी था सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। अरे मरने की बात छोड़ो, मरने से पहले ही बच्चे छुड़ा लेते हैं, सारी संपत्ति हमसे ले लेते हैं। सो इस दुनिया में कमाया हुआ जो धन है वो इस दुनिया में ही हमारे साथ रहता है, मरने के बाद हमारे साथ नहीं चलता। परंतु भक्ति रूपी जो धन है, भक्ति रूपी जो संपत्ति है, वो मरने के बाद भी हमारे साथ चलती है। आप जैसे ये बच्चे श्लोक बोल रहे थे, आप जन 12वां अध्याय पूरा कड़कड़ाहट आपने देखा है? कभी कभी हम बड़े बूढ़ों को लज्जा आती है इन बच्चों को देखकर, और नहीं आती है तो आनी चाहिए। लेकिन मन में प्रश्न हो सकता है ना कि इन बच्चों ने इतने कम समय में पूरा अध्याय, कुछ दिन में तो पूरी गीता याद कर लेंगे। तो आप ये मत समझिए कि इन्होंने इस जीवन में ये सब किया है, ये बच्चे पूर्व जन्म का ये सब लेकर आए हैं। ये सब भगवत गीता के श्लोक, भागवत के श्लोक इन्होंने पूर्व जन्म में याद किए थे, वो इस जन्म में थोड़ा सा वो टच में आते हैं तो वो याद आ जाता है। भक्ति एक ऐसा धन है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे मैंने कहा, आपके पास पैसे हैं, मरोगे तो फिर वो नए जन्म में नए से शुरू करना होगा, लेकिन आपने इस जन्म में 60% भक्ति की, ओके? फिर आप मर गए और दूसरा जन्म मिला तो 61% से शुरू होगा भक्ति का। ऐसा नहीं आपको पहले से शुरू करना होगा। भक्ति रूपी जो धन है उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए वित्रासुर असुर होकर भी चारों ओर तमोगुणी वातावरण, तमोगुणी शरीर, सब कुछ तमोगुणी होते हुए भी भगवान की दिव्य स्तुति कर गया। सो ऐसे वित्रासुर की कथा श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में, और फिर अंत में दीति के गर्भ धारण की कथा सुनाकर श्री सुखदेव गोस्वामी 6 स्कंद का विराम करते हैं। श्रीमद् भागवत के 7 स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजसूय सभा में लेकर जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय सभा का आयोजन किया और उस राजसूय सभा में नारद मुनि वक्ता बने और युधिष्ठिर प्रमुख श्रोता हुए, और श्री नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को बहुत सुंदर कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत का पूरा 7वां स्कंद नारद उवाच, नारद जी बोले और युधिष्ठिर सुने, और वही सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। सोन में प्रमुख प्रसंग है श्री प्रहलाद महाराज की कथा। अब देखो, आज भी हम जब प्रहलाद का नाम लेते हैं तो क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज। अब है 5 साल का लड़का, लेकिन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज। वो कितना बड़ा काम किया होगा कि जिससे आज बड़े बड़े लोग उसे महाराज कहते हैं। प्रहलाद की महिमा मुझे एक वाक्य में यदि आपको बतानी हो, केवल एक सेंटेंस में कोई कहे कि प्रहलाद की महिमा बता दो, तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस दुनिया में अपने गुरु का गुणगान करने वाले बहुत शिष्य मिलेंगे,
शिष्य होते ना, मेरे गुरु ऐसे, मेरे गुरु ऐसे, मेरे गुरु ने ये किया, मेरे गुरु ने ये किया। कोई शिष्य, कोई चेला अपने गुरु का बहुत गुणगान करता है, लेकिन कोई गुरु अपने चेले का गुणगान करते हुए मिला आपको? लेकिन इतिहास में एक ऐसा प्रसंग, नारद मुनि गुरु थे प्रहलाद महाराज के, और नारद जैसे गुरु राजसूय सभा में अपने शिष्य प्रहलाद महाराज की कथा कर रहे हैं, जिस सभा में स्वयं भगवान कृष्ण बैठे हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक से एक लोग बैठे हैं, वहां नारद मुनि अपने शिष्य के गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं। सो नारद मुनि ने बहुत सुंदर प्रहलाद की कथा सुनाई। प्रहलाद महाराज कैसे थे? बोले प्रहलाद महाराज के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गुण, नारद मुनि कहते हैं कि जो अपने से बड़े थे उसको प्रहलाद महाराज पितृवत रिस्पेक्ट देते थे, अपने से बराबरी वालों के साथ मित्रता का भाव रखते थे, और अपनों से छोटे दीनहीन लोगों के साथ करुणा का भाव, दया का भाव रखते थे। और प्रहलाद महाराज में सबसे बड़ा गुण क्या था? वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, और कृष्ण की, विष्णु की भक्ति करते करते वो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच गए कि क्वचित हंसती, कभी कभी जोर जोर से हंसने लगते थे, कभी क्वचित रुदती, कभी कभी रोने लगते, क्वचित नृत्यती, कभी कभी अचानक नाचने लगते। मानो बाहर के लोगों को ऐसा लगता कि इसे किसी ग्रह ने पकड़ लिया है, किसी बुरे ग्रह का साया है इस लड़के पर, अचानक नाचने लगता है, गाने लगता है। सुखदेव जी कहते हैं सही बात है, कृष्ण ग्रह ग्रही तात्मा नवेद जगदिदृशम, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को पकड़ लिया था, कृष्ण प्रेम में वे सराबोर थे, इसीलिए कृष्ण प्रेम के विकार उस 5 साल के प्रहलाद में दिखाई दे रहे थे। दूसरी ओर प्रहलाद का बाप, उनका पिता हिरण्यकशिपु, 36,000 वर्ष ब्रह्मा की तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लेकर तीनों लोकों का ईश्वर बन चुका था। हिरण्यकशिपु देवताओं को हरा चुका था, पाताल में जाकर सबको हरा चुका था, पृथ्वी का बादशाह, तीनों लोक हिरण्यकशिपु के इशारे से चलते थे, और हिरण्यकशिपु सबको कह चुका था कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भगवान हूं, अपने घर पर, मंदिरों में, जहां वहां मेरा ही फोटो होना चाहिए। हिरण्यकशिपु जब अपनी भौं तरेरता था, अपनी आंख को तिरछी करता था, थोड़ी सी भ्रिकुटी भंग करने मात्र से 33 करोड़ देवी देवता हिरण्यकशिपु के चरणों में गिर जाते थे। 24 घंटा नारायण का नाम लेने वाले नारद मुनि जब हिरण्यकशिपु के सामने आते थे तो वो भी यही कहते थे, हिरण्यकशिपु महाराज की। आप भी हिरण्यकशिपु की जय जयकार। सो हिरण्यकशिपु का इतना आतंक था, पूरी दुनिया हिरण्यकशिपु को भगवान मानती थी, लेकिन उसका 5 साल का लड़का प्रहलाद हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं मानता था। अरे भगवान छोड़ो, हिरण्यकशिपु को बाप भी, पिता भी, फादर भी नहीं कहता था, तो फिर क्या कहता था? प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कहते थे, असुरों के सरदार आपको नमस्कार, हे असुरों के सरदार आपको प्रणाम। और आश्चर्य की बात यह थी, हिरण्यकशिपु को बुरा भी नहीं लगता था कि मेरा बेटा मेरी पोजीशन समझ रहा है, आखिर तो मैं असुरों का सरदार ही हूं, असुरों का सम्राट हूं। सो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को, एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा, प्रहलाद तुझे, तू इतना कुछ पढ़ता है, गुरुकुल में जाता है,
तुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी सबसे अच्छी बात आप मुझे पूछो तो ये घर गृहस्थी में रहकर रोज की कजिया कंकास है, रोज की मगजमारी से मुक्त होकर आप और मैं दोनों हाथ में माला लेकर, माला नहीं है तो यहां कथा हो रही है, वहां से ले लो माला मिल रही है। सो माला लेकर वृंदावन जाकर मैं और आप दोनों कृष्ण की भक्ति करें, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। जब प्रहलाद ने इस प्रकार कृष्ण का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, हिरण्यकश्यपु खार खा गया, तिल मिला गया, बोले मेरे दुश्मन का नाम ये ले रहा है, मेरे दुश्मन की भक्ति कर रहा है। एक ही पल में हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि बच्चों की बुद्धि बच्चों की नहीं होती, वो तो बड़ों के कहने पर बिगड़ जाती है, इसमें प्रहलाद का कोई दोष नहीं, प्रहलाद के गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमरक का दोष है। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने षंड और अमरक को बुलाया और कहा, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, विष्णु की भक्ति कृष्ण की भक्ति मेरे दुश्मन की भक्ति सिखा रहे हो तुम लोग। शनवर्क ने कहा, हमने तो नहीं सिखाया, पक्का तुमने नहीं सिखाया? बोले हमारी सिलेबस में ये गीता भागवत कुछ है ही नहीं, हम तो सब पाप करना ही सिखाते हैं, तो फिर ये कहां से सीखा? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम लोगों ने नहीं सिखाया तो कोई बाहर से कोई साधु संत आकर सिखाया होगा, अब की बार ध्यान रखना आपके स्कूल में गुरुकुल में कोई बाहर से ना आ जाए। कोई बात नहीं, प्रहलाद को लेकर जाओ। प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेकर गए, एक साल प्रहलाद महाराज पढ़े, फिर वैकेशन में घर पर आए, फिर से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद ने कहा, छोड़ो ना पिताजी, पिछले साल मगजमारी हो गई थी, हर बार आप एक ही प्रश्न लेकर आ जाते हो, सबसे अच्छा क्या लगता है? नहीं प्रहलाद बचाओ, बताओ जीवन में तुम इतनी शिक्षा प्राप्त किए, इन सभी शिक्षाओं में सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी है? तो प्रहलाद महाराज कहते, तो सुनो, तत्साधु, प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणा क्रियेत भगवत यद्दा तत् मन्ये अधित उत्तमम। ये भगवान विष्णु की नौ प्रकार की जो भक्ति है, इस भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, यही मुझे सबसे अच्छा लगता है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यपु की जो हालत हुई है देखने जैसी, लाल पीला हो गया, वो प्रहलाद के गुरु को बुलाया, शांत अमर, मारे तुमने जगाड़वात तो नहीं, जगाड़वात खरा ने, शांत और अमर दौड़ कर आए, सरकार क्या हुआ आपने हमको बुलाया? बोले फिर से ये तुम्हारा बाप क्या, विष्णु विष्णु की भक्ति का बोल रहा है, मैंने कहा था ये मत सिखाना। षंड और अमरक ने कहा, सरकार हमने ये सब नहीं सिखाया, भागवत जी में श्लोक है, नमत प्रणीतम, नमत प्रणीतम, हमने ये नहीं सिखाया, न पर प्रणीतम, बाहर से भी दूसरे किसी साधु संतों ने भी नहीं सिखाया, तो फिर ये कहां से सीखा? तब उन्होंने कहा, नैसर्गिकी यह मतिरस्य राजन, हे राजन ये अपने मां के पेट से सीख कर आया है, ये अपने माता के गर्भ से सीख कर आया है। एक बात याद रखिएगा, ये भजन भक्ति के संस्कार एक मां अपने पेट में जितना बालक को दे सकती है उतना पैदा होने के बाद नहीं दे सकती है। सो एक मां
उस गर्भवती अवस्था में बालक को जो संस्कार दे सकती हैं, जन्म होने के बाद नहीं। इसलिए जो भी माँ गर्भवती है उसे बहुत सोच समझकर अपने दिन बिताने चाहिए। आगे चलकर प्रसंग है, प्रहलाद महाराज फिर तो हिरण्यकश्यप ने भेज दिया, भाई इसे तुम लेकर जाओ, ये मेरा दिमाग हटा रहा है। और फिर प्रहलाद महाराज गुरुकुल में गए। अब गुरुकुल में गए ना तो आप भी स्कूल में पढ़े हो ना, तो कभी कभी टीचर का मूड नहीं रहता तो टीचर भी कहते हैं फ्री पीडियर, आपको जो करना है तुम्हारे फ्री पीडियर आओ। तो हूँ तो ये राह जोता था कि क्या रे फ्री पीडियर मिले। स्कूल में हूँ, हर प्रत्येक स्टैंडर्ड में मैं लास्ट बेंच पर बैठने वाला लड़का, मेंटली प्रिपेयर था, आपने क्या बनवानू है। सो हम तो यही राह देखते थे। तो वो जो षंड और अमृत थे वो गृह कर्म के लिए चले गए। बोले बच्चों तुमको खेलना है खेलो, जो करना है करो, खाना खाने खाना खाओ। अब तक तो प्रहलाद केवल अकेला भक्ति कर रहा था, अब उसने अपना प्रोग्राम और आगे बढ़ाया। सारे बच्चे खेल रहे थे, कोई खो खो खेल रहा था, कोई लंगड़ी खेल रहा था, कोई पकड़ा पकड़ी खेल रहा था। ये सब गेम बहुत अच्छी है, खेलनी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि आप जितने एग्रेसिव होकर मोबाइल सोशल मीडिया के लिए आप मोबाइल उठाते हो, उतनी ही ताकत उसे छोड़ने की भी होनी चाहिए। भागवत से हमें ये सीखना है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं ये भागवत बूढ़े लोगों के लिए है, जो समाज में कुछ काम के नहीं है ना वो भागवत में जाकर बैठता है। भागवत सबके लिए है, भागवत बच्चों के लिए भी है। भागवत से हमें ये सब सीख मिल। भगवान रामचंद्र, आप देखिए इतिहास हमें क्या सिखाता है। राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले थे, अवधपति ने ऐलान कर दिया था कि अयोध्या का राजा राम कल राज सिंहासन होगा, राज्याभिषेक होगा। अब 3 घंटे की देरी थी और कई कई ने कहा कि राम तुम राजा नहीं बनोगे, 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओगे। अब राजा बनना था तो भी राम को ज्यादा ये नहीं, और जब वन में जाने की बात सुनी तो हंसते हंसते निकल गए। ये सीखना है इतिहास से कि राजा बनना हुआ तो भी अच्छे से, मोबाइल हाथ में लेना हुआ तो भी खुश होकर, और मोबाइल छोड़ना हुआ तो भी खुश होकर। जितने एग्रेसिव होकर हम लेते हैं उतना ही उत्साह से उसे छोड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। भागवत हमें यह सिखाता है। भागवत में सबके लिए शिक्षा होती है, बस समझाने वाला होना चाहिए और समझने की इच्छा होनी चाहिए। सो प्रहलाद महाराज गुरुकुल में गए हैं, बच्चे खेल रहे थे तो खेलते हुए बच्चों को कहा कि मित्रों मित्रों यहां पर आ जाओ। प्रहलाद की बात को सुनकर सारे मित्र खेलना छोड़कर प्रहलाद के पास आए, पेड़ के नीचे एक टीला था उस पर बैठ गए, सारे बच्चे नीचे बैठ गए और 5 साल के प्रहलाद अपने सहपाठी बालक अपने मित्रों को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। सर्वप्रथम प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्रों, ये खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट मत करो। थोड़ा बहुत खेलो कूदो ठीक है, पर 2400 घंटा खेलते रहना, खेलने में ही बुद्धि रखना नहीं। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख की योनि के चक्कर काटने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। हम लोग कभी गाय बने, कभी बैल बने, गधा कुत्ता जितने भी जीव हैं, 84 लाख जन्म लिए तब जाकर आज मनुष्य बने। सो एक तो ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और 30 पर भी मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत कम समय के लिए मिला है। इसलिए है मेरे मित्रों, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत धर्म का पालन करना है, और ये भागवत धर्म का पालन कौमार अवस्था बचपन अवस्था से ही करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि
दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। बचपन से ही ये भक्ति, भगवान का नाम, भगवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि बचपन में ना, बचपन में जैसे वो सूखी हुई लकड़ी और गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी को मोड़ने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन जो गीली लकड़ी है उसे मोड़ोगे तो जैसे मोड़ना चाहोगे मुड़ जाएगी। तो बचपन से एक स्थान पर बैठने की प्रैक्टिस, कथा सुनने की प्रैक्टिस, भगवान का नाम लेने की प्रैक्टिस, कीर्तन करने की प्रैक्टिस यदि बचपन से है तो आगे चलकर कष्ट नहीं होगा। इसलिए ज्यादा खेलने कूदने में ध्यान न देकर बचपन से ही ये भजन भक्ति के संस्कार होने चाहिए। तो भजन कर लो बचपन से ही, ये भक्ति कर लो। तो प्रहलाद के किसी मित्र ने कहा, प्रहलाद बड़े होने के बाद करेंगे तो नहीं चलेगा। बोले बड़े होने के बाद टाइम ही कहां मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कथम, बोले कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहत्सु तत्स्नेह सीत शिशुनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। आज तुम बच्चे हो, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब तुम बड़े होंगे तो तुम्हारी शादी होगी, और जब तुम्हारी शादी होगी नवी नवेली दुल्हन घर पर आएगी, तुम एकांत में बैठे होगे, पानी मांगोगे ना तो दूध का ग्लास लेकर आएगी। शादी के पहले साल तो ऐसा ही होता है ना कि नहीं, ऐसा आप बोलो पानी, हाँ जी हाँ दूध लेकर आती है, लेकिन वो पहले साल ही ऐसा होता है, दूसरे साल कुछ और, तीसरे साल तो कुछ और। किसी आदमी ने कहा शादी के पहले है ना चंद्रमुखी होती है, शीतल कोमल चंद्रमुखी, और शादी के बाद सूर्यमुखी, और शादी के दो पांच साल के बाद ज्वालामुखी। ये फटा, ये फटा, ये फटा। एक बार एक लड़के वाले अपने लड़के का विवाह करने के लिए लड़की को देखने यूके में आपके यहाँ आए। अब जिस दिन लड़के वाले देखने आते हैं तो उस दिन तो है ना साड़ी बाड़ी पहन कर, ऐसा लगता है सीता जी के बाद यही बनी है, एक्टिंग तो ऐसी होती है। फिर वो शांति से बैठ जाती है, वो लड़के वाले वो सब आजू बाजू में है। फिर तो बेटी का बाप प्रशंसा भी करता है ना, हमारी बेटी बहुत संस्कारी है, कुछ बोलती नहीं है, बहुत शांत रहती है। आप पूछो देखो इसको पूरी भगवत गीता याद है, गीता के 700 के 700 श्लोक कड़कड़ाट, पूरी रामायण याद है। देखो तो लड़के की माँ उसका बाप बाजू में हरक फदुड़ा होकर बैठ जाता है, अरे बेटा पूरी गीता याद है। हाँ पूरी गीता याद, रामायण रामायण भी पूरी याद है। सुनाओ गीता, उसने सुना गीता के श्लोक सुनाए, बोले रामायण सुनाओ, बोले रामायण सुनाए, बोले महाभारत, बोले महाभारत याद नहीं है, वो तो शादी के बाद प्रैक्टिकल आपके वहां आके करूंगी, वो मैं याद नहीं रखती, वो मैं करती हूं। एक बार तुम मुझे लेकर तो जाओ। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब एकांत में अपनी पत्नी नवी नवेली दुल्हन के साथ बैठोगे, पानी मांगोगे, दूध लेकर आएगी और एकांत में मीठी मीठी बात करेगी, कहां से भगवान याद आएंगे, कहां से ईश्वर याद आएंगे। फिर वो एपिसोड पूरा होता है तो फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे को बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना उस एपिसोड में चले जाते हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए तो उसकी शादी करवाना उसमें चले जाते हैं। अब बच्चों को शादी करके विदा करते हैं तब तक तो हम बूढ़े हो गए होते हैं। मतलब हमारे पूरे जीवन में स्ट्रगल है, जिम्मेवारी है, बहुत सारे कर्तव्य है। हाँ बचपन की जो अवस्था है उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, उस समय
यदि गीता भागवत रामायण ये कथा कीर्तन भजन जितना कर लेते हैं वो बहुत अच्छे से होता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा कि बचपन से ही ना ये भजन भक्ति सीखनी चाहिए। तो प्रहलाद के कुछ मित्र थे, वो कहे, ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं, प्रहलाद तुम कहते हो बचपन से ही भजन भक्ति ये मंजीरा करताल ये सब कुछ करो, तो फिर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर सुखी कैसे होंगे। प्रहलाद ने कहा सुखी होना चाहिए, लेकिन सुखी होने के लिए भी ये महा मेहनत ये हार्ड वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। जितना उपाड़ा आपने लिया है इतना उपाड़ा लेने की जरूरत नहीं है। आपके भाग्य में यदि सुख है तो थोड़ी बेसिक मेहनत करने से वो सुख मिल जाएगा। क्या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा सुख मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलने वाला है। सो प्रहलाद महाराज ने कहा सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगे न देही नाम। सुखी होने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो सब भाग्य की बात है, तकदीर की बात है। यदि हमारे भाग्य में सुख लिखा है तो वो आएगा। जैसे प्रहलाद महाराज दृष्टांत देते हैं, हमारे भाग्य में दुख लिखा है तो दुख को बुलाना पड़ता है कि हे दुख आइए आइए थोड़ा सा आ जाइए मुझे दुखी कीजिए। हैं, रोज सुबह उठकर कोई भगवान को ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु आज दुखी होना चाहता हूं, बस आज कुछ लॉस करा दो, कुछ दुखी करा दो। कोई चाहता है कि मैं दुखी हो जाऊं, लेकिन फिर भी दुख आता है कि नहीं? बिना चाहे बिना मांगे दुख मिलते हैं क्योंकि भाग्य में लिखा है। तो जैसे बिना चाहे बिना मांगे हमें दुख आता है, वैसे बिना चाहे बिना मांगे सुख भी आएगा। जैसे भाग्य में दुख लिखा तो बिना बुलाए दुख आ गया, वैसे भाग्य में सुख लिखा बिना बुलाए सुख आएगा। मैं आपको आलसी बनाना नहीं चाहता, ये सब कुछ छुड़वाना नहीं चाहता। बेसिक मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन महा मेहनत वो रात दिन उपाड़ा लेकर कि बस ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कोई जरूरत नहीं है। बिना मेहनत करे जैसे दुख मिलते हैं वैसे सुख मिलता है। एक बार इस प्रकार का प्रवचन एक आदमी ने सुना, और प्रवचन के बाद जो प्रवचन करने वाले साधु थे उनको पूछा, अच्छा महाराज आप कहते हो यदि हमारी तकदीर में भाग्य में लिखा है तो हमको मिलकर ही रहता है, तो बताओ कल दोपहर को मुझे खाने में क्या मिलता मिलने वाला है। मुझे पूछते तो मैं तो बता ही देता क्योंकि मुझे तो पता ही है कल भी क्या है, लेकिन उसने मुझे नहीं पूछा था। मुझे पूछा होता तो मैं तो भरत भाई हिलते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक महात्मा को कहा कि महात्मा जी बताओ कल मुझे खाने में क्या मिलेगा। महात्मा जी ने कहा कि कल तुम्हारे भाग्य में खाने के लिए खीर लिखी है, कल खीर लिखी है। अब इस आदमी ने क्या ठाना, कल ये साधु है ना उसको झूठ साबित कर दूंगा, मैं खीर खाऊंगा ही नहीं, कल पूरा दिन उपवास रहूंगा और फिर सबके बीच में माइक लेकर कहूंगा ये साधु झूठा है, ये बोलता है कि भाग्य में होता है मिलता है लेकिन मुझे तो खीर मिली नहीं, मुझे तो खाया नहीं। तो रात भर सोचा कि ऐसा क्या करूं, घर पर रहूंगा तो शायद कोई खिला देगा, एक काम करता हूं कल सुबह जंगल में चला जाता हूं, दिन भर जंगल में रहूंगा रात को आऊंगा प्रवचन में बता दूंगा। तो वो आदमी सुबह जंगल में चला गया और वन में किसी बहुत बड़े पेड़ पर डाली के ऊपर जाकर बैठा। आधा दिन बीता, कोई गाय भेड़ बकरी चराने वाले जो ग्वाले होते हैं ना वो गाय आदि को चराकर उस रास्ते से जा रहे थे, बहुत दूर से आ रहे थे, थके हुए थे, बहुत सुंदर ये पेड़ देखा, उसकी छांव थी तो सब लोग उस पेड़ के नीचे बैठे जिस पेड़ पे ये बैठा था, वो संकल्प करके कि मैं खीर तो नहीं खाऊंगा। अब उस ग्वालों ने सोचा कि यार भूख लगी है क्या करें, तो आपस में चर्चा हुई कि हमारे पास चावल और शक्कर है, एक काम करते हैं गाय को दो लेते हैं दूध निकाल लेते हैं और दूध चावल शक्कर खीर बनाकर खाते हैं। यह आदमी खीर नहीं खाने के लिए घर छोड़ के जंगल में आया,
और उसी पेड़ के नीचे खीर का प्लान होने लगा। ये तकदीर है भक्तों, ये भाग्य है, कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन वो तो फिर भी सोचा कि जो भी है, दृढ़ संकल्प, खीर नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा। चूल्हा बनाया गया, पत्थर रखकर चूल्हा बनाया, ईंधन डाला, ऊपर तपेला रखा, उसमें दूध शक्कर चावल और खीर पकने लगी और एकदम घट होने लगी। दूध का पानी सब उड़ गया और एकदम खीर की सुगंध आने लगी। लेकिन सोचा खाऊंगा तो नहीं। अब खीर लगभग पक चुकी थी, एक आदमी दौड़ कर आया और कहा कि अभी अभी कुछ अपने ते बारवटिया हुए ने, कुछ डाकू बाजू के गांव को लूटकर इसी रास्ते से जाने वाले हैं, यदि अपने गाय भेड़ बकरे को बचाना चाहते हो तो भागो यहां से। तो सारे ग्वाले वहां से भागे। किसी ने कहा खीर, बोले यदि ये गाय ये सब लोग जिंदा है तो खीर तो जीवन भर खाएंगे, छोड़ो इस खीर को, गरम गरम पतीला कौन उठाएगा, छोड़ो। खीर को ऐसे ही छोड़ दिया और सारे ग्वाले अपने गाय भेड़ बकरे को लेकर भाग गए। अब नीचे खीर पक रही है, बंदा ऊपर बैठा है, लेकिन दृढ़ संकल्प, खाना नहीं है मतलब खाना नहीं है। अब वो डाकू गांव को लूटकर वहां से घोड़े के ऊपर सवार होकर निकल रहे थे और घोड़े के ऊपर आ रहे थे, खीर की सुगंध आई और जहां से सुगंध आ रही थी उसी पेड़ के नीचे सब लोग आकर खड़े रहे। डाकू का सरदार था, उसने कहा कि देखो हमने पूरा गांव भी लूट लिया, माल भी मिल गया और खाने का इंतजाम भी हो गया, चलो सब लोग नीचे उतरो, हम लोग खीर खाएंगे। तब उस डाकू की टोली में से एक आदमी ने कहा, सरदार रुकिए 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 रुकिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की साजिश है, किसी को पता चल गया है कि हम गांव को लूटकर निकले हैं, हमारे पास बहुत सारा माल है और हमको भूख भी लगी होगी, तो किसी ने ये खीर पका कर रखी और इसमें जहर डाल दिया है, पॉइजन, ताकि हम लोग खीर खा ले, हम सब मर जाए और हमारा माल लेकर वो चला जाए। सरदार के दिमाग की खिड़की खुल गई है, बिल्कुल सही बात है, इस खीर में नहीं तो इस निर्जन वन में कोई ऐसी खीर, इतनी अच्छी खीर कौन छोड़ेगा, इसमें जहर है। और हां, जिस किसी ने जहर मिलाया है ना, यहीं कहीं होगा, वो यहीं कहीं होगा, खोजो ढूंढो उसे। सब लोग खोजने लगे, यहां वहां सब खोजने लगे, तब किसी की दृष्टि ऊपर गई, सरदार मिल गया, जिसने इस खीर में जहर डाला है वो इसी पेड़ के ऊपर बैठा है। सरदार ने कहा नीचे उतर, नहीं नहीं मैं नीचे नहीं उतरूंगा। सरदार ने तीन चार को भेजा, जाओ उसको घसीट कर लेकर आओ। उसको नीचे उतारा और कहा सच सच बता, तूने ही इस खीर में जहर डाला है। बोले मैंने कुछ नहीं डाला। बोले तूने ही जहर डाला। बोले मैंने नहीं डाला। ओके तो खाकर दिखा, चल डाला होगा तो तू मरेगा। नहीं नहीं मैं खीर तो नहीं खाऊंगा, खीर नहीं खाऊंगा। ये मना क्यों कर रहा है? ये मना कर रहा है मतलब इसी ने जहर डाला है। सरदार ने कहा इसने हमको मारने के लिए साजिश रची है, इसके हाथ और पांव बांध दो और जितना तपेला में खीर है ना सब जबरदस्ती इसको खिला दो। जबरदस्ती 10 किलो खीर खिलाई और दूसरे दिन दौड़कर गुरुजी के चरणों में आकर गिर गया। गुरुजी यदि तकदीर में लिखा है ना तो आप वन में भी चले जाओ, वहां पर भी आपको खीर मिल जाएगी। भाग्य की बात है, भाग्य की बात। सुखम ऐन्द्रियकम देत्या देह योगेन देहिनाम, ये सिद्धांत 5 साल का प्रहलाद जानता है लेकिन 50 साल के बूढ़ों को ये बुद्धि नहीं आई है। हजू टिंगा टोली करीन ऑफिसे थी घरे मोकलवा पड़े, हवे तो तमे निवृत्ति जाहिर करो, अब तो ये सब छोड़ दो। सही इस प्रकार से प्रहलाद ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। प्रहलाद जब प्रवचन कर रहे थे ना, ये जितने भी उनके बच्चे थे सब कन्विंस हो रहे थे, हाँ प्रहलाद बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो प्रहलाद हम क्या करें, बोले ये कंठी पहन लो। सबको कंठी दे दी। प्रहलाद भी ये सब माला वाला लेकर आए थे,
सबको माला दे दी, सबको कंठी पहना दी और सब लोग कीर्तन करने लगे। उस लड़के में से एक लड़के ने पूछा, प्रहलाद देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रहलाद हम सब लोग असुरों के बच्चे हैं, ठीक है, हम सब असुरों के बालक हैं और हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में तो हमारे गुरु जी ने कभी ये सब ज्ञान नहीं दिया, तेरे अंदर ये ज्ञान कहां से आया, है ना, समझने वाली बात है। हम सब बच्चे एक साथ रहते हैं तो स्कूल में तो ये सब सिखाया नहीं, और तेरे घर पर तेरा बाप किसी साधु संतों को आने नहीं देता है, न घर पर कोई स्कोप है न स्कूल में, तो फिर इतना बड़ा नॉलेज, इतना अच्छा ज्ञान तेरे अंदर कहां से आया। तब प्रहलाद कहता है कि ये ज्ञान जब मैं मेरी मां कयाधु के पेट में था, जब मैं मेरी माता कयाधु के गर्भ में था, उस समय मेरी माता ने भागवत कथा सुनी थी, श्री नारद मुनि के मुख से उन्होंने भागवत सुनी थी, मेरी मां ने जो सुना था वो पूरा प्रभाव, मैं पेट में था वो पूरी कथा मैंने पेट में बैठकर सुनी। आपकी जानकारी के लिए, जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है और जब 3 महीने का वो गर्भ होता है, उसके कान आ जाते हैं और 3 महीने की अवस्था में वो पेट में रहने वाला बालक सब कुछ सुनता है, सब कुछ एहसास करता है। वो माँ बाहर से जो भी सुनती है, खाती है, पीती है, देखती है, वो सारा संस्कार उस गर्भ में रहने वाले बालक पर आता है। इसलिए मैं पुनः आपको निवेदन करूं, जब कोई माता प्रेग्नेंट होती है उस समय बच्चे को जो संस्कार दे सकती है वो जन्म लेने के बाद नहीं दे सकती। इसलिए हमारे वहां गर्भाधान एक संस्कार है। हम मनुष्यों के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उस 16 संस्कार में प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। हमारे भारत के ऋषियों ने इसे संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया, ये बहुत पवित्र विधि हमारे देश में मानी गई है। लेकिन आजकल तो क्या होता है, एक तो काम वासना से मोहित होकर स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, पता भी नहीं रहता कब गर्भ आ चुका है, और काम वासना से जो बच्चे पैदा होते हैं वो कामी ही होते हैं, और शुद्ध भावना से जो बच्चे होते हैं वो बच्चे पवित्र होते हैं। पहले तो ये चेतना हमें सुधारनी चाहिए, और साथ ही साथ बालक जब पेट में हो तब माता को बहुत ध्यान रखना चाहिए। खास करके हम भारतीयों में क्या होता है, प्रथम बालक का जन्म तो मायके में होता है, खास करके प्राय ऐसी प्रथा अब तक रही, और जब वो माँ प्रेग्नेंट होती तब तो कामकाज तो करना नहीं होता, तो फिर बैठकर क्या देखेंगे, टीवी देखेंगे, और टीवी में भी यदि उस प्रेग्नेंट अवस्था में 9 महीने यदि लव स्टोरी देखी है तो लड़का पैदा होकर बड़ा होकर किसी लड़की को लेकर भाग जाएगा, और यदि एक्शन मूवी देखा है तो हर महीने पुलिस स्टेशन में जमानत करने जाना पड़ेगा। एक माँ जब प्रेग्नेंट थी तब उन दिनों उन्होंने शोले पिक्चर बहुत बार देखा, शोले जानते ना, गब्बर वाला, उसे वो पिक्चर बहुत, और पिक्चर भी ऐसा ही बनाया, बहुत सुंदर था, तो शोले फिल्म बहुत बार देखा, रिपीट कर करके देखा, और पूरा संस्कार उस गर्भ बालक के ऊपर आया। जब बालक माँ के पेट से बाहर निकला तो डॉक्टर को कहता है, तेरा क्या होगा कालिया, और जो डॉक्टर वो सब वो हाथ में कैंची बेची औजार लेकर, एक औजार हाथ में, तेरा क्या होगा कालिया, वो जो संस्कार थे वो सब बच्चे पर आता है। खैर, हिरण्यकश्यपु असुर था, असुर कुल था, लेकिन उसकी पत्नी कयाधु प्रेग्नेंट थी, नारद जी से भागवत सुना था इसलिए माँ भागवत बना। तो प्रहलाद स्वयं भजन कर रहा है, अपने मित्रों को भी भक्ति करा रहा है। जो चीज अपने को मिलती है ना,
वो दूसरों को बांटनी चाहिए, हैं? दूसरों को बांटने में आनंद होता है, इसलिए प्रहलाद दूसरों को बांट रहे हैं। अब वो तो फ्री पीडियर था, पर ये प्रवचन में कितना टाइम निकल गया समझ में नहीं आया। वो शंड अमरक वापस आए, देखा अब तक तो प्रहलाद अकेला भक्ति करता था, अब तो सबको डिवोटी बना दिया। और ये बात हिरण्यकश्यपु को पता चल गई तो हमको मार देगा, उसके पहले ही हमें इस बालक को हिरण्यकश्यपु को सौंप देना चाहिए। शंड और अमरक प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यपु के पास आए और कहा कि सरकार हमारे बस में नहीं है, अब तक तो अकेला विष्णु का नाम लेता था, अब तो पूरे असुरों के बच्चों को, पूरे समाज को डिवोटी बना दिया। हिरण्यकश्यपु खार खा गया, बोले मार दो इस प्रहलाद को, ये दैत्य वंश में, इस चंदन रूपी वंश में बबूल कहां से आ गया? नीति ऐसा कहती है कि शरीर का कोई एक अंग सड़ जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काट देना चाहिए। मुझे मेरे असुर वंश को, असुर कुल को जिंदा रखने के लिए इस प्रहलाद को, मेरा बेटा है तो क्या हो गया, इसे मारना होगा। मार दो इस प्रहलाद को। प्रहलाद को मारने का प्रयास श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है, विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है, दिग्गजे दंद सुकेश्च अभिचारा वपातने माया भी सन्निरोधेश्च गरदाने रभोजने। बड़े बड़े गजराज हाथियों के नीचे कुचलने का प्रयास किया, वो बड़े बड़े गजराज हाथी दौड़ कर आते लेकिन प्रहलाद के पास आते तो खड़े रह जाते, वो हाथी प्रहलाद को मार नहीं पाए। दंद सुकेश्च प्रहलाद को हजारों विषधर सर्प से बने हुए एक कमरे में बंद कर दिया। वो बड़े बड़े जहरीले सर्प प्रहलाद को दंख मारने लगे लेकिन उस सर्प के मणि फिसल गए, दांत टूट गए, विष समाप्त हो गया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अभिचारा अवपातने, प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या प्रकट की गई और उस कृत्या को आदेश दिया, इस प्रहलाद को मार दो। कृत्या हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारने दौड़ी, प्रहलाद निर्भय होकर खड़ा है और जब प्रहलाद को निर्भय देखा तो कृत्या समझ गई प्रहलाद का कोई दोष नहीं, दोष शंड और अमरक का है। कृत्या ने शंड और अमरक को ही मार दिया। हिरण्यकश्यपु की बहन जिसका नाम था होलिका, वो होलिका आई, भाई तुम चिंता मत करो, ऋषियों का वरदान, अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी, चिता बनाओ, प्रहलाद को मेरे गोद में बिठा दो, आग लगा दो। जैसा कहा वैसा ही किया, जब चिता में आग लगाई, यद्यपि ऋषि मुनियों का वरदान था लेकिन उसका मिसयूज हो रहा था। क्या हुआ, वो होलिका जलकर मर गई लेकिन प्रहलाद को एक आंच नहीं आई। झाको राखे साई, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग वेरी होए। हरि के लाल को पूरी दुनिया मारने को तैयार हो जाए लेकिन हरि यदि उनकी रक्षा करने बैठा है तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। द्वई हाथन वारो सखे, जन को कहां बिगार, नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। हजारों भुजा वाला जिसकी रक्षा करने को बैठा हो तो दो हाथ वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है। सो प्रहलाद को समुद्र में बहुत बड़ा पत्थर बांधकर डुबाने का प्रयास, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को बहुत बड़े पर्वत से गिराया गया जहां से हड्डी भी प्राप्त न हो, लेकिन भगवान कैसे मरने देंगे। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपने हाथों से जहर प्रहलाद को दिया, कहा कि इसे खा जाओ। प्रहलाद उस विष को खा गए लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। भक्ति का यह प्रभाव है। प्रहलाद तो सतयुग में हुआ, कल का इतिहास, मारवाड़ की मीरा को भी जहर दिया गया था। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन,
ऐसी लागी लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं कोई रोके नहीं टोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी मेरा गोविंद गोपाल गुण गाने लगी बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी हो मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन मेरा रानी दीवानी कहलाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई राणा ने विष दिया हे मानो अमृत पिया राणा ने विष तो दिया मानो अमृत दिया मेरा सागर में सरिता समाने लगी मेरा सागर में सरिता समाने लगी दुख लाखों सहे मुख से मोहन कहे दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन कल का इतिहास मीरा को जहर दिया गया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई कहकर जहर पी गई लेकिन जहर भी अमृत बन गया। सो प्रहलाद महाराज को जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयास किए प्रहलाद नहीं मरा। तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने कमरे में बुलाकर कहता है कि तुझे मारने का इतना प्रयास कर रहा हूं तू मर क्यों नहीं रहा? आखिर तेरे अंदर ऐसा क्या है? तू कुछ टोना टूटका जानता है? आजकल जो बहुत चलता है, आजकल लोग टोने टूटके में बहुत विश्वास रखते हैं। तू कोई जंतर मंतर जानता है? ये तेरी रक्षा कौन करता है? तो प्रहलाद ने बहुत सुंदर कहा, मंत्र जंत्र मेरे हरिनामा हे मंत्र जंत्र मेरे मेरा तो मंत्र जंत्र तंत्र जो भी समझो ये सब हरि नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये कृष्ण का नाम विष्णु का नाम मेरी रक्षा करता है। कृष्ण विष्णु जब प्रहलाद के मुख से सुना ना हिरण्यकश्यप लाल पीला हो गया।
जब देखू तब विष्णु 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 करते रहता है। कहां है तेरा विष्णु, कहां है तेरा विष्णु? प्रहलाद ने कहा, पिताजी क्वेश्चन पेपर ही रॉन्ग है। आप पूछते हो मेरे विष्णु कहां है, आप ऐसा पूछो कि मेरा विष्णु कहां नहीं है। पिताजी मेरा विष्णु तो सब जगह पर है, मैं यहां देखूं इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो या मित तो नरसिम्हा, मैं तो जहां देखूं वहां मुझे तो विष्णु ही विष्णु दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तो बता इस खंभे में तेरा विष्णु है? रैंडमली कहा था, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोटा वाला खंभा था उसको बताया। आदमी की सटक जाती है तब थोड़ी कोई ऐसा देखने को रहता है कि अच्छा वाला पीला वाला काला वाला। कोई महल था उसमें बहुत सारे खंभे थे, बोले इस खंभे में तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा विष्णु सब जगह पर है तो इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु कहता है कि रोज मर मर के जीने से अच्छा है आज मेरा और तेरे विष्णु का बेटा हो जाए। आज धरती का गोला मैंने बधु पेंड में आवे हो आ बधु हिरण्यकश्यपु ने बता, आज धरती का गोला या तो मैं नहीं या विष्णु नहीं, आज मैं देखना चाहता हूं तेरे विष्णु को। इस खंभे में है तेरा विष्णु? अब क्या हुआ, प्रहलाद ने केता केवाई गयू। आपने घनी बार नतु अपने कोई सेवा आपे के भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा छे रविवारे आवी जजो, हाँ हूँ आवी जाइश, मोटा उपाड़े आपने कही दीए अने पछी आपने आवी न शकवानो होय केटलो ऑब्लिगेशन। सो प्रहलाद को अब उसमें थोड़ी विष्णु थे, ये खंभे में विष्णु होता है, खंभे में सीमेंट होती है, ईंट होती है, कॉन्क्रीट होता है, खंभे में विष्णु, विष्णु ने ही खंभो मेड़ो हे। विष्णु वैकुंठ में होता है, खंभे में थोड़ी होता है। मैं आपको अंदर की बात कहूं, कोई विष्णु फिष्णु नहीं था। लेकिन क्या हुआ, प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में विष्णु है तो भगवान टेंशन में आ गए कि मेरे भक्त ने कहा इसमें विष्णु है तो अब तो मुझे मेरे भक्त का वचन गलत कैसे कर सकता हूं। मेरा भक्त एक बार बोलते भगवत गीता में कृष्ण की प्रतिज्ञा है, कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता है लेकिन अपने भक्त का वचन कभी नहीं तोड़ सकता। इसलिए एक सीक्रेट है, आपको कोई बड़ा संत मिल जाए, एक बड़ा भक्त मिल जाए, अपने बच्चों को अपने आप को प्रणाम करके बस इतना बुलवा दीजिए कि हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। हमारी प्रोफाइल ऐसी है कि करोड़ों जन्म तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो शुद्ध संत यदि बोल दिया ना, उसका वचन सत्य करने के लिए भगवान को चमत्कार करना पड़ेगा। भगवान साधुओं की लाज रखते हैं, इसलिए महात्माओं की महिमा है, भक्तों की महिमा है। सो हिरण्यकश्यपु ने पूछा, इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा है, तो आज मैं तेरे विष्णु को देख लूंगा। और हिरण्यकश्यपु ने अपनी मुष्टिका बनाई और हिरण्यकश्यपु उस खंभे के पास गया और मुष्टिका का प्रहार जैसे ही करने गया, भगवान ने सोचा कि इसकी मुट्ठी लगे उसके पहले मैं ही तोड़ दूं। हिरण्यकश्यपु को मुट्ठी मारनी नहीं पड़ी, हिरण्यकश्यपु वो मुट्ठी का प्रहार करे उसके पहले ही खंभा तोड़ के भगवान नरसिंहदेव प्रकट हो गए। वैशाख शुद्ध चौदश दिशा के रवि होत संध्या ही काल, वैशाख शुद्ध चौदस दिशा रवि होत अस संध्या ही काल। वैशाख महीना चतुर्दशी तिथि संध्या का समय और भगवान नरसिंह देव उस खंभे को तोड़कर प्रकट हुए हैं।
हिरण्यकश्यपु देखता रह गया, यह है कौन? आधे नर आधे सिंह और सिंह की तरह गर्जना कर रहे हैं। भगवान नरसिंह देव की सहस्त्र भुजा, भगवान नरसिंह देव के शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। भगवान नरसिंह देव चल रहे हैं तो उनके चलने की धमक से धरती डोल रही है। भगवान नरसिंह देव का मस्तक आकाश को छू रहा है। भगवान नरसिंह देव ऐसे अपना माथा ऐसे हिलाते हैं, भगवान नरसिंह देव के बालों से बादल तितर बितर हो रहा है। हिरण्यकश्यपु नरसिंह देव भगवान के सामने एक मच्छर जितना दिखाई दे रहा था, विकराल शरीर और सिंह की गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह देव चलने लगे। ए वैशाख शुद्ध चौदस दिशा रवि होत अस संध्या ही काल, वैशाख शुद्ध चौदस दिशा के रवि होत अस संध्या ही काल। भगवान नरसिंह देव चलने लगे, पृथ्वी डोलने लगी। हिरण्यकश्यपु देखता रह गया कि ये आधा नर है आधा सिंह, ये है कौन? अरे मूर्ख, ये नरसिंह है, ये तेरा काल है, ये तेरी मौत प्रकट हुई है। थोड़े ही देर में भगवान नरसिंह देव ने अपनी सहस्त्र भुजाओं से हिरण्यकश्यपु की पूरी सेना का विध्वंस कर दिया। और अब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु के सामने, आज हिरण्यकश्यपु भी उत्साह में, क्योंकि जय विजय है ना। ये हिरण्यकश्यपु कौन? भगवान का पार्षद, जय और विजय। हिरण्यकश्यपु के हाथ में गदा, भगवान नरसिंह देव के हाथ में गदा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। कर सर पर सधर यमर कर अनुसर, कर परवर धर मेल करे हरि हर सुरावर, अवर यति मानहर वर वर अति हर यलमारे, निरखत नर पवर और गण निरजर, निगर मुकुट पर यवरन से गण रण पट फरड़ फरड़ पद घूंघर, रंग भर सुंदर चावर मेरे दिल रंग भर। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार। भगवान नरसिंह देव ने जैसे गरुड़ किसी सर्प को झपट मार के उठाता है, जैसे हिरण्यकश्यपु को ऐसे हाथ में ऐसा ले लिया। लेकिन भगवान ने सोचा अभी संध्या का समय नहीं हुआ, एग्जैक्ट संध्या नहीं हुई, छोड़ दिया। फिर से नीचे, फिर से उत्साह बढ़ा, फिर से दोनों एक दूसरे के ऊपर युद्ध। युद्ध करते करते एक प्रहर बीत गया और अब भगवान नरसिंहदेव ने देखा कि संध्या का समय हो चुका है, और भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु को मारने का निर्णय किया। कहते हैं इस देश में कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का पालन करने के लिए, ऋषि मुनियों की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, और अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को जैसे ही मारने का निर्णय किया, हिरण्यकश्यपु को अनेकों प्रकार का अपशुकन होने लगा। हिरण्यकश्यपु का दाया अंग फरकने लगा, हिरण्यकश्यपु के मस्तक से ताज गिरने लगा, हिरण्यकश्यपु के मस्तक पर गीत डोलने लगा, हिरण्यकश्यपु की माँ दीति के स्तन से खून चूने लगा। और जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान नरसिंह देव ने झपट मार के हिरण्यकश्यपु को उठाया और उस महल की चौखट पर लेकर गए, अपनी गोद में सुलाए। और भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को सारे वरदान याद कराए और अपने तीक्ष्ण नाखून से हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु के शरीर से खून का फव्वारा उठा, आकाश में देवता प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि करने लगे और भगवान नरसिंह देव की जय जयकार होने लगी। श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह देव भगवान की जय, श्री नरसिंहा जय, नरसिंहा जय, जय श्री नरसिंहा प्रहलादेश
जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतो मुखम नरसिंहा भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युनमाम्यहम् तव कर कमलवरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरणकशिपु तनुभृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशव गाइए नरहरि रूपा जगदीश हरे नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की भक्त राज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की। इस प्रकार भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। श्रीमद् भागवत के ये सब प्रसंग बड़े दिव्य हैं, बड़े रोचक हैं, हमारी भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। संक्षिप्त में यदि कहूँ तो इसी राजसूय सभा में श्री नारद मुनि ने संन्यास धर्म का वर्णन किया, गृहस्थ धर्म का वर्णन किया, सातवां स्कंध समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में मन्वंतर की कथा है और मन्वंतर की कथा में गजेंद्र किस प्रकार भगवान हरि ने एक हाथी का उद्धार किया, तत्पश्चात षष्ठ मन्वंतर में किस प्रकार भगवान का अजित अवतार हुआ और समुद्र मंथन कराया, तत्पश्चात भगवान का वामन अवतार और अंत में भागवत के अष्टम स्कंद में भगवान का मत्स्य अवतार। भागवत के नवम स्कंद में ईशानुग्रह का वर्णन सोमवंश चंद्रवंश और सूर्यवंश में राजा महाराजाओं के चरित्र का वर्णन, किस प्रकार सूर्यवंश भगवान विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनु और मनु के 10 पुत्र उनमें से एक हुए इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु वंश में महाराज हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की परंपरा में भगीरथ जो गंगा को धरती पर लाए, महाराज सगर, अंशुमान, एक से एक राजा महाराजा और उसी सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। चंद्रवंश किस प्रकार यदु महाराज के वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सारी महाराज परीक्षित भागवत के दशम स्कंद में जिज्ञासा करते हैं कि कृष्ण कथा थोड़ी विस्तार से सुनाइए। तो अब श्री सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्वापर युग के अंत में एक ऐसा
समय आया कि क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए, गलत कर्म करने लगे, पशुओं की हिंसा करने लगे, गायों का वध करने लगे, साधकों की साधना बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, ऋषि मुनियों की अग्नि बंद कराई, और जितने लोग पाप करते थे उनको बेनिफिट देने लगे, और जितने लोग भजन भक्ति करते थे उनको मारने पीटने लगे। राजाओं के ऐसे अत्याचार से पृथ्वी को बड़ा कष्ट हुआ, पृथ्वी पर भार बढ़ा, और पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास गई। ये सब भागवत के श्लोकों में लिखा है। भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैत्यानिक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्माणम शरणम ययो गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। देवी पृथ्वी ब्रह्मा के पास गई, अपना सारा दुख सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन इतना बड़ा दुख, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने शिव जी को बुलाया, नारद को बुलाया, अन्य सभी देवी देवताओं को बुलाया और पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। बहुत सुंदर पुरुष सूक्त स्तुति किए। उस समय भगवान की आकाशवाणी, भगवान बोले कि ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द धरती पर प्रकट हो जाऊंगा, पृथ्वी का भार दूर करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन कहां प्रकट होंगे? भगवान कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात, मैं वसुदेव के घर में प्रकट होऊंगा, आप चिंता मत करो, आप सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाओ, मैं दुष्टों का विनाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, पृथ्वी का भार दूर करूंगा। सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सांत्वना दी, पृथ्वी अपने स्थान पर, और सब लोग भगवान के आने की राह देख रहे हैं। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मैं कथा सुना। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख, ए श्रोताओ तुम्हारी माटे कहूँ छू, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता कथा में आ गया। आ स्वर्ग माथी देवीओ उतरी हो ने एवं लगे, स्वर्ग माथे स्वर्ग में से देवता आए हो ऐसा लग रहा है, पूरा भर गया है। और आप लोग इतने इतने घंटों तक कथा सुनते हो, प्रसाद पाते हो, ये आपकी दया है, आपकी करुणा है, हम तो यही मानते हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे और भगवान के आने की राह देख रहे हैं कि कब प्रभु प्रकट होंगे, कब प्रभु प्रकट होंगे। और आखिर वह दिन आ गया। मथुरा में एक राजा रहते थे जिसका नाम था शूरसेन, और राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव, और उस वसुदेव का विवाह उसी मथुरा के राजा देवक की सबसे छोटी कन्या देवकी के साथ होने जा रहा है। वसुदेव जी की बारात महाराज देवक के वहां रुकी है 15 दिन तक। आजकल शादी होती है एक दिन में पूरा, एक दिन भी कहां, आधे दिन में। जब तक मेरी जानकारी है पहले शादी कम से कम 2-3 दिन की होती थी, है ना? लेकिन वसुदेव जी की बारात 15 दिन तक
क्या मेहमान नवाजी हुई, क्या स्वागत, क्या गान बजान। और 15 दिन के बाद जब बेटी को विदा करने का समय आया, मंगल गीत गाने लगे। दिकरी ने गाई तोरे क्या गाई, दिकरी तो पार की आपन पिवाई, बेनारे ओ सासरिये जाता जो जो आंखों ना भींजा, दिकरी तो पार की थापण केवाई, दिकरी तो पार की थापण केवाई। ए दिकरी ने गाय दोरे त्या जाई, दिकरी तो पार की थापण केवाई, दिकरी तो पार की थापण। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बेटी को विदा कर रहे हैं। इस दुनिया में छोटे से छोटा बाप भी अपनी बेटी को विदा करते समय अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अपनी बेटी को देता है। महाराज देवक, पंचशतम चतुर्बरहम गजानाम हेम मालिनम, 1500 हाथी, 1800 रथ, घोड़े, 200 दासी, बहुत कुछ अपनी बेटी को भेंट में दिया है। 1800 रथ खड़े हैं और बीच में वसुदेव जी का रथ खड़ा है। देवकी और वसुदेव उस रथ पर सवार हुए और उस समय देवकी का कजिन जिसका नाम था कंस, उसे भी अपनी बहन के प्रति प्रेम भाव उमड़ा और कंस देवकी और वसुदेव के रथ को चलाने के लिए वो रथ चलाने वाले को नीचे उतार दिया और कंस रथ चलाने लगा। आकाश में देवलोक में खलबली मच गई। देवताओं ने सोचा कि यदि कंस रथ चलाएगा तो देवकी वसुदेव भगवान के भक्त है और कंस भक्तों की सेवा कर देगा तो भगवान कंस को मार नहीं पाएंगे। देवताओं ने आकाशवाणी की, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। बस इतना सुनकर जो कंस देवकी के प्रति प्रेम दिखा रहा था उस घोड़े की लगाम को छोड़ा, एक हाथ से देवकी के बाल पकड़ा और दूसरे हाथ से म्यान से तलवार खींचकर देवकी का धड़ से मस्तक अलग करने गया, वसुदेव जी ने रोक लिया। बहुत सारी चर्चा हुई, अंत में वसुदेव जी ने कहा, मैं वादा करता हूं देवकी को जितने भी बच्चे होंगे जन्म लेते ही तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन अपनी बहन को छोड़ दो। कंस रथ से उतर गया, वसुदेव जी रथ लेकर घर पर चले गए। 1 वर्ष के बाद कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेन सनृताद अति विह्वला। 1 वर्ष के बाद देवकी वसुदेव को कीर्तिमान नाम के बालक का जन्म हुआ और वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बालक को कंस के पास लेकर आए। कंस को अभिमान, यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ेगा, बोले इसे लेकर चले जाओ, 8वां बालक होगा तब लेकर आना। कंस गया, वसुदेव जी गए, तब देवताओं ने नारद मुनि को भेजा। नारद जी कंस को कहते, तेरे जैसा पागल मैंने देखा ही नहीं आज तक, क्यों उसे क्यों छोड़ दिया। बोले तो पहला बालक था। नारद जी कहते, हो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु वो खंभा तोड़ के आ सकता है, तो वो पहला दूसरा 8वां 10वां ये सब देखेगा, वो कहीं से भी आ सकता है, और तू 8वें नंबर में ही अभी अटका है, तो बता इसमें से 8वीं उंगली कौन सी। कंस यहां से गिने तो ये 8वीं, यहां से गिने तो। कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई है, ये आगे से 8वां, पीछे से 8वां, तो कहीं से भी हो सकता है। कंस ने अपने अनुचर को भेजा, देवकी वसुदेव को कारागार में बंद किया, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद किया और उस 1 दिन के बालक को कंस ने पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। देवकी दुखी,
कंस ने दूसरे बालक को मारा, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, बोलने में तो हमारा क्या जाता है, लेकिन जिस माँ का बेटा मर गया हो ना, उस माँ को पूछो कष्ट क्या होता है। अरे मरने की बात दूर रही, बेटा खेल खेल में गिर जाता है, कुछ खरोच आती है, तो उस बेटे से ज्यादा कष्ट उनकी माता को होता है। और जिस माँ देवकी के छह छह बच्चे उनके आंखों के सामने मर गए, कितना कष्ट माता देवकी को। लेकिन ये कष्ट बलराम जी से नहीं देखा गया, और बलराम जी कृष्ण को पूछने भी नहीं रहे। सुखदेव जी ने ऐलान किया, सप्तमो वैष्णवम धामम यमंतम प्रचक्षसे गर्भो बभूव देवक्य हर्ष शोक विवर्धनम। सातवें पुत्र के रूप में बलराम जी आ गए, बलराम पहले आए। तब भगवान ने योग माया को भेजा, बोले ये पेट में से इससे निकाल कर रोहिणी के गर्भ में रख दो। जैसे कहा वैसे किया, तो ये सातवा तो उड़ ही गया। देवकी और दुखी, बड़ा शोक, बड़ा कष्ट। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए दुख जो है ना भगवान के माता पिता के जीवन में भी आते हैं। हम लोग तो थोड़े से दुख में रोने, सर्दी था तरुआ मंडे, खोखड़ी था तरुआ मंडे, अरे 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 शू त्यू सर्दी थी गई, आके दुख के भाई जॉब छूट जाती है तो रोने लगते हैं, कोई दुख है। दुख पांडवों के जीवन में आए, दुख द्रौपदी के जीवन में आए, दुख मां देवकी के जीवन में, ईश्वर के मां बाप के जीवन में कितने दुख। क्योंकि नो पेन नो गेन है, जब तक जीवन में दुख नहीं आएंगे ना आत्मा पवित्र नहीं होगी। हमारे जीवन में मैच्योरिटी आती है जब जीवन में दुख आता है, हमारा तेज बढ़ता है, हमारा प्रभाव बढ़ता है, हमारा समर्पण बढ़ता है जब जीवन में दुख आता है। हमारा तो क्या है ना, जब दुख आते हैं ना तो भगवान को भी छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं कि ये भगवान कुछ काम के नहीं, भक्ति छोड़ो ये सब। धन्य है देवकी और वसुदेव, जितना दुख बढ़ रहा है उतना समर्पण बढ़ रहा है, उतनी भक्ति बढ़ रही है। और यह देखकर भगवान भी सोच में पड़ गए, आखिर किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख दिए जा रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे छोड़ नहीं रहे, उल्टे मेरी भक्ति और बढ़ रही है। क्या भाव है, क्या तपस्या है। मैं तो इतना ही कहता हूं, ईश्वर को खोजने का प्रयास मत करो, जीवन में ऐसा काम करो कि ईश्वर खोजते खोजते आपके पास आ जाए, हैं? कि मेरा भक्त कहां रहता है। देवकी और वसुदेव के त्याग और समर्पण को देखकर भगवान का सिंहासन हिल गया। भक्तों धरती हिलती है ना, उसे धरती कंप भूकंप कहते हैं, लेकिन आज वैकुंठ कंप होने लगा और भगवान मजबूर हो गए कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। भक्ति ईश्वर को मजबूर कर देती है। और उस समय भगवान सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में आए, वसुदेव जी के मन से माता देवकी के मन में, और देवकी माता के मन से देवकी के हृदय गर्भ में आए। लेकिन जैसे ही माता देवकी के हृदय गर्भ में आए, देवकी का सारा शोक दूर हो गया, उनके मुख का तेज बढ़ गया, उनका प्रकाश बढ़ गया। कंस के कारागार में जो अंधकार था वो अंधकार दूर हो गया। एक दिन कंस देखने को आया, उसकी तो आंखें ही बंद हो, जैसे सूर्य के सामने हम देखते हैं आंखें बंद हो जाती हैं, कंस की आंखें बंद हो गई। और कंस समझ गया कि मेरी मौत, मेरा काल, मुझे मारने वाला कृष्ण देवकी के गर्भ में आ चुका है। अब कंस का जीना मरना हराम हो गया। कंस भोजन बंद हो गया, रोटी खाने जाए सोचे रोटी में से अंदर चला जाएगा, फाड़ देगा। पानी पिए तो बोले पानी पीऊंगा तो अंदर जाएगा, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, सोना सब बंद। और दूसरी ओर
धीरे धीरे दिन बीते, 9 महीना हो गया और श्रावण मास आ गया, जिसे हम भाद्रपद कहते हैं। श्रावण मास अष्टमी तिथि, और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को पता चला, सारे देवता कंस के कारागार में आए। देखो ये भगवान होते हैं, इसे कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी। जब प्रकट होती है तो सारे देवी देवता उनको स्तुति करने आते हैं। क्या कहते हैं? अस्तुति करहि नाग मुनि देवाय, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, अस्तुति करहि नाग मुनि देवाय, स्तुति करहि नाग। जय कृष्ण अनादि अनंत विभो, परमानंद रूप अनूप प्रभो, अवलोकित शोकित प्रणत जनम, धरिवेश विशेष कलेश हनम। स्तुति करहि नाग मुनिदेवा, जय सत्यमयम जप ज्ञानमयम, तप योग विराग सुध्यानमयम, धर्मादि सुकृत्य सुतेममयम, नितनोमि सुभाव सुप्रेममयम्। स्तुति करहि नाग मुनिदेवा, जय काश आकाश विकाश ही है, परमेव परम अवकाश ही है, निविशेष ही शेष ही शेष ही है, नितनोमि परम सविशेष ही है। स्तुति करहि नाग मुनिदेवा, परिभाषक सर्व सुशासक है, अतुलियम परम प्रकाशक है, सब श्राम विराम ललाम ही है, नितनोमि परम अविराम ही है। स्तुति करहि नाग मुनिदेवा, जय कालहु काल सुकाल परम, सुरयंग समूह ही भालवरम, लावण्य ललित महु महोदिम, नितनोमि प्रमूल ही परम निधिम। भाव से तालियों के साथ। गोतित अकथ्य अगम्य जनम, परिपूर्ण परात्पर परम भजम, परिबोधय तारत स्वारत है, नितनोमि परम परमारत है। स्तुति करहि नाग जय अधिगोलोक सुधाम पतिम, सद जन मन रंजन परम गतिम, रस रूप स्वरस राधा रमणम, नितनो मित्रिताप ही भव समनम। धरि रूप अनेक ही पूर्वजता, अविरक्षित त्रिलोक ही हरि व्यता, पुनि हम दुख जाल कराल परे, अविरक्षु प्रणत अनिप्राहि हरे। हो भगवान प्रकट होने वाले हैं। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता, क्षत्रि व्रज धारण धर्म सुजारण, वंशी धारण जन तारण, देवकी के कारण नाथ विवारण, असुर विदारण बदवारण, भव सिंधु तारण जनिय विचारण, तारण भगवंता। धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, साधु संतों को आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के हृदय गर्भ से प्रकट होने की सोचे, सारे देवी देवता स्तुति करके वापस चले गए। और यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि काल सभी गुणों को लेकर विभूषित हो गया। हम लोग शादी के समय नहीं दिखाते कोई अच्छा मुहूर्त देखिए पंडित जी, लेकिन ये सारे ग्रह वार नक्षत्र सब कुछ अनुकूल हो गए। क्यों? हमारा बाप प्रकट होने वाला है, हमारा ईश्वर धरती पर आने वाला है। कंस आदि असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया था, लेकिन भगवान प्रकट होने वाले हैं ये पता चलते ही वृक्षों पर फल फूल उग गए, नदियों के जल सूख गए थे, प्रभु आने वाले हैं। आज यमुना में बाढ़ आने लगी,
आज सरिताएं छलकने लगी हैं, दुष्टों के मन में क्षोभ होने लगा, साधु संतों के मन में आनंद होने लगा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, आज ब्रज में पता पता लता पता सबके मुख में एक ही शब्द है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, कदंब केरी डालो बोले जमुना केरी पाड़ो बोले श्री कृष्ण शरणम मम, ब्रज चौरासी कोस बोले कुंड कुंड नी सिडियो बोले श्री कृष्ण शरणम, वाजा ने तबला मा बोले श्री कृष्ण शरणम, शरणाई ने तंबुर मा बोले श्री कृष्ण शरणम, नृत्य करंती नारी बोले श्री कृष्ण शरणम, केसर केरी प्यारी बोले श्री कृष्ण शरणम, गोवर्धन ना शिखरे बोले कृष्णा शरणम, गली गली गहवरवन बोले कृष्णा शरणम, वेणु स्वर संगीते बोले कृष्णा शरणम, कड़ा करंता मोर बोले कृष्णा शरणम, मधुर वीणा वाजिंत्रो बोले कृष्णा शरणम, कुमुदनी सरोवर मा बोले कृष्ण शरणम, चंद्र सूर्य आकाशे बोले कृष्ण शरणम, तारणिया ना मंडल बोले कृष्ण शरणम, कमल कमल पर मधुकर बोले कृष्ण शरणम, डाल डाल पर पक्षी बोले कृष्ण शरणम, हे वृंदावन ना वृक्षो बोले कृष्ण शरणम, गोकुल यानी गायो बोले कृष्ण शरणम, आकाशे पाताले बोले कृष्ण शरणम, चौदह लोक ब्रह्मांडे बोले कृष्ण शरणम, चंद सरोवर चौके बोले कृष्ण शरणम, पत्र पत्र शाखाए बोले कृष्ण शरणम, पुलिन कंदरा मधुवन बोले कृष्ण शरणम, यमुना जी नी लहरो बोले कृष्ण शरणम, आंबा डाले कोयल बोले कृष्ण शरणम, तुलसी जी ना क्यारा बोले कृष्ण शरणम, अष्ट प्रहर आनंदे बोले कृष्ण शरणम, रोम रोम व्याकुल थई बोले कृष्ण शरणम, महामंत्र मन माहे बोले कृष्ण शरणम, जुगल चरण अनुरागे बोले हो, कुंज कुंज वन उपवन बोले ब्रज भूमि नारज कण बोले श्री कृष्ण शरणम, रास रमंती गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम, धेनु चरावता गोपो बोले श्री कृष्ण शरणम, आंबो लींबु ने जांबू बोले श्री कृष्ण शरणम, वनस्पति हरियाली बोले श्री कृष्ण शरणम, जति पुराना लोको बोले मथुरा जी ना चोबा बोले श्री कृष्ण शरणम, सर्व जगत मा व्याकुल बोले श्री कृष्ण शरणम, विरही जन ना हैया बोले श्री कृष्ण शरणम, कृष्ण वियोगे आतुर बोले श्री कृष्ण शरणम, वल्लभ वैष्णव सर्वे बोले श्री कृष्ण शरणम। इस प्रकार सब लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भाद्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न
और बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे आकाश गरजने लगा, भयंकर वर्षा होने लगी। ए अषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम ए दादूर डकारम मयूर पुकारम ताड़ी का तारम निस्तारम नालही समारम क्या सकारम नंद कुमार मुनिर क्या जी कहे राधे प्यारी में बलिहारी हो कुड़िया वो गिरधारी रे तमी गोकुल आवो गिरधारी। भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग वृष लग्न और बुधवार के दिन ठीक रात को 12 बजे जैसे अंधेरी रात में पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सिंहण के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कंस के कारागार में माता देवकी के हृदय गर्भ से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। जय जयकार होने लगी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ है। अब वसुदेव जी कंस के कारागार से कृष्ण को लेकर गोकुल में छोड़ने जाएंगे और गोकुल में सुबह नंद बाबा को जब पता चलेगा मेरे घर पर लाला का जन्म हुआ है तो नंद के आंगन में आप सभी भक्त अपना कीमती समय निकालकर इस कथा श्रवण करने हेतु आए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।